Children, a warm welcome to online English classes. प्रिय विद्यार्थियों, पहले वाली वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार से इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का प्रयोग हमने कहाँ करना है, कहाँ हम इनका प्रयोग नहीं करते. इसी प्रकार से ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या फिर आपके क्लास के एग्ज़ाम्स हों. आर्टिकल्स 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दिस लेक्चर इज़ also going to be very very important for you all, whether you are preparing yourself for competitive exams or for your class syllabus. So definite articles हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में. डेफिनिट आर्टिकल क्या होती है, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हमने कहाँ करना है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां सिर्फ द ही प्रयोग करेंगे यानी कि डेफिनेट आर्टिकल को ही हम प्रयोग में लाएंगे, ए और एन का प्रयोग वहां नहीं कर सकते. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव इन दिस वीडियो लेक्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. डेफिनेट आर्टिकल, और जिसके अंदर एक ही आर्टिकल है जिसका नाम है द, टी एच ई द. प्रोनंसिएशन की जहाँ तक बात है, इसको द कहा जाता है और दी भी कहा जाता है. द कई बच्चे बोलते हैं, वो गलत है. प्रोनंसिएशन इसकी टू है, द एंड दी. द का तब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं जब इसके सामने वाली नाउन की बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो, और दी तब बोला जाता है जब सामने वाले नाउन इसकी वॉवल साउंड से बिगिनिंग हो. सो लेट अस डिस्कस आवर चैप्टर. इंट्रोडक्शन टू द, द की इंट्रोडक्शन देखिए क्या होता है. द इज वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट. दैट की एक बिल्कुल वीक फॉर्म होती है. इट इज़ यूज्ड विद ऑल नाउन्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, यानी चाहे तो वो सिंगुलर में आए, चाहे वो प्लूरल में आए, यानी कि एकवचन हो, बहुवचन हो, गिन सकते हैं या ना गिन सकते हो, सभी के साथ में द का प्रयोग किया जा सकता है. इट इज़ कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट सम डेफिनिट और स्पेशल पर्सन और थिंग. ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए कि इसको डेफिनिट आर्टिकल ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा किसको पॉइंट आउट करता है, डेफिनिट और स्पेशल पर्सन को या थिंग को. यानी इसके सामने वाली नाउन जो होगी वो डेफिनिट ही या स्पेशल नाउन होगी, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है. अब यूजेस देखिए इसके, कहाँ कहाँ हमने द का प्रयोग करना है. रूल नंबर वन, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन थिंग और वन ऑलरेडी मेंशन्ड और वन वेल नॉन टू अस. हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ जो हमें ऑलरेडी ही मेंशन कर रखी है किसी सेंटेंस में, या उस सेंटेंस में हम उस नाउन को वेल नॉन हैं, अच्छे तरीके से हम उसको जानते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ही प्रोमिस्ड टू यूज द मेडिशन. मेडिशन कौन सी? आई गेव हिम. यानी इसका मतलब ये है
कि वो पहले से ही जानते हैं कौन सी मेडिसिन है, वो मेडिसिन है जो मैंने उसे दी थी और उसी का ही उसने लेने के लिए प्रॉमिस किया था, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग है। शट द डोर, इस डोर को हम पहले ही ऑलरेडी ही वी आर वेल अक्वेंटेड विद इट, दैट्स वाई वी हैव यूज हियर द, शट द डोर। रूल नंबर टू, व्हेन अ सिंगुलर नाउन और एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज मीन्ट टू रिप्रेजेंट ए हाउल क्लास, एक सिंगुलर नाउन या फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बतलाता हो, जो नाउन को क्वालिफाई करता हो, सिंगुलर नाउन या एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो क्या करता हो, पूरी क्लास को, अपनी पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता हो, यानी उनका प्रतिनिधि करता हो। जैसे दी काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, कि काउ एक बहुत ही यूजफुल एनिमल है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच, यहाँ पर जो रिच है ये हर प्रकार के रिच पीपल को रिप्रेजेंट करता है, हाउल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और आगे फिर पुअर लिखा है, इसके आगे भी द है, क्यों, क्योंकि ये पुअर भी क्या है, सभी पुअर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। रूल नंबर थ्री, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, माउंटेन्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, गल्फ्स, कैनल्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, विंड्स, सीजन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, यानी ये जितने भी हमने नाउन के नाम पढ़े हैं इनके सामने हम द का यूज़ करते हैं। जैसे रिवर का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम अच्छे प्रकार से जानते हैं गंगा रिवर है एक, और इसके सामने यूज होता है द, यानी द गंगा। अरेबियन सी क्या है, एक समुद्र का नाम है, इसलिए इसके आगे भी दी लगा दिया गया, द अरेबियन सी। द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये ओशन है इसलिए इसके आगे द लगा रखा है। द हिमालयाज, द लक्षद्वीप आइलैंड है ये। द पर्शियन गल्फ, ये गल्फ है। द सहारा, ये डेजर्ट्स है यानी कि मरुस्थल है। द वेस्ट विंड, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नेम है। द ताजमहल, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट एट्सेट्रा, ये भी क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं ताजमहल और रेड फोर्ट, इसलिए इनके सामने हमने द का प्रयोग किया है। रूल नंबर फोर, विद द सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम तीन फॉर्म में प्रयोग करते हैं, तीन डिग्रीज होती हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री आती है, और लास्ट में उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे अगर हम बात करें गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड यहाँ पर हमारी पॉजिटिव डिग्री है, फिर उसके बाद बेटर इसकी कंपेरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी बेस्ट है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, स्वीट की सुपरलेटिव डिग्री है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। द मोस्ट अर्जेंट, अब मोस्ट, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव है। विद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, एक तो 1, 2, 3 ये नंबर्स होते हैं, इनको छोड़ करके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम, ये क्या हैं, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। इनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ किया जाता है। जैसे द लास्ट लाइन, ये लास्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। द नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टूडेंट,
द सेकंड स्टूडेंट, द थर्ड मेडल, सच टाइप ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स टेक द विद देमसेल्व्स. रूल नंबर 6, विद नेचुरल बॉडीज, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, अर्थ, धरती, स्काई, आकाश, ये नेचुरल बॉडीज हैं, इनके साथ भी द का प्रयोग किया गया है. रूल नंबर 7, विद द नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, जितनी पवित्र किताबें होती हैं जिनको हम धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं, जैसे बाइबल, महाभारत, रामायण, कुरान, गीता, इन सब के साथ भी हम द का प्रयोग ही करते हैं. रूल नंबर 8, विद द नेम्स ऑफ ships, aeroplanes and trains, यानी means of transport जो होते हैं उनके नाम के आगे भी हम the का प्रयोग करते हैं. एक example देखिए, the Taj Express, the Sabarmati Express, ये गाड़ियों के नाम हैं, trains के name हैं, transportation के items हैं ये, इसलिए इनके साथ हमने the का प्रयोग किया है. Rule number 9 देखिए, When there are two comparative degrees, कई बार हम यहाँ गलती करते हैं कि comparative degree के साथ हम the का प्रयोग नहीं करते, लेकिन dear students इसका एक exception case है कि अगर two comparative degrees इकट्ठी आ जाती हैं, दो एक ही sentence में use हो रही हों, तो दोनों के सामने the का प्रयोग करते हैं. जैसे example देखिए, the more we get, more, M-O-R-E, more, much, more, most. तो more क्या है? Comparative degree है. The more we desire, यानी जितना हमें मिलता है हम उतनी ही ज़्यादा की इच्छा रखते हैं और बढ़ा देते हैं. The nearer the church, the farther from God. जितना नज़दीक चर्च के है इतना ही भगवान से दूर हैं. रूल नंबर 10, विद मेजरमेंट्स, जब हम किसी चीज़ को इकाई में मापते हैं तो उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर. मीटर क्या है? मेजरमेंट की इकाई है. मीटर में मापते हैं, कपड़े को बेचते हैं. एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, बाय द डजन. रूल नंबर 11, विद द नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जो बहुत ज़रूरी इवेंट्स, कुछ घटनाएं घटती हैं इतिहास की, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं. जैसे दी इंडो पाक वार, इंडो पाक यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध. दी रेवोल्यूशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड ये एक क्रांति का नाम था. The Battle of Panipat, Battle of Panipat, लड़ाई कौन सी? पानीपत की. ये historical events हैं, इसलिए इनके साथ the का प्रयोग किया गया है. Rule number 12, before the names of the parts of the body, जो body के parts होते हैं उनके सामने भी हम the का प्रयोग करते हैं. I stuck him on the hand, He caught him by the ear. तो यहाँ पर hand जो है हमारा parts of body है, ear है वो भी parts of body है, इसलिए यहाँ दोनों के सामने हमने the का प्रयोग किया है. Dear students, समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. Next, rule number 13. Before proper adjectives with the name of community, ए क्लास ऑफ पीपल, जब हम एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ और उनके साथ हम कुछ जोड़ करके प्रॉपर एडजेक्टिव्स बना देते हैं, ये होते एक्चुअली कम्युनिटी या क्लास ऑफ पीपल होते हैं. जैसे देश का नाम होता है, उसके जो लोग होते हैं उनको जब हम पुकारेंगे तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएंगे. जैसे फ्रांस कंट्री है, वहाँ के पीपल, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के आइटम्स को हम फ्रेंच कहेंगे, तो द फ्रेंच.
जर्मन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, और जर्मनी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यानी प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं। द जर्मन्स, इसी प्रकार से इंडिया प्रॉपर नाउन है, और द इंडियंस ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। बिफोर डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के साथ भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये सारे क्या हैं, डायरेक्शंस हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपेरेटिव डिग्री, व्हेन नॉट मोर देन टू पर्संस और थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी जब एक हमारे पास क्या हो, कंपेरेटिव डिग्री हो, और वो दो के बीच में तुलना अगर कर दे, तो उस कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। पीछे हमने देखा था कि दो कंपेरेटिव डिग्री इकट्ठी रखें तो भी द लगेगा, और एक डिग्री है कंपेरेटिव लेकिन वो दो के बीच में तुलना बता रहा है तो भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू, वो इन दोनों में से ये होशियार है, ये बुद्धिमान है। वाइजर, टू में से तुलना है वाइजर, इसलिए वाइजर के आगे हमने क्या प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। रूल नंबर 16, टू मेक अ प्रॉपर नाउन कॉमन और टू गिव टाइटल। यदि हमें किसी प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, या हम किसी को किसी का टाइटल दे देते हैं, यानी कि वो चीज़ ओरिजिनल नहीं रखते, तब हम उसको द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मुंबई इज द लंदन ऑफ द ईस्ट। अब मुंबई है, ये हमारा शहर है, लंदन इंग्लैंड का शहर है, तो जो ये उपाधि दी गई है मुंबई को, किसकी, लंदन की, दैट्स व्हाई वी हैव यूज हियर द लंदन। सिमिलरली, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल आइटम है हमारे पास, मुंबई है, कालिदास है, लेकिन द शेक्सपियर ये क्या है, उपाधि है। कालिदास को उपाधि दे दी गई, किसकी, शेक्सपियर की, इसलिए शेक्सपियर इज नॉट एन ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल नहीं है, कालिदास ओरिजिनल है। टाइटल दे दिया हमने कॉमन रूप से, इसलिए द शेक्सपियर यूज किया गया है। बिफोर सेम एंड आफ्टर बोथ, यानी सेम से पहले और बोथ के बाद में, या फिर ऑल एंड हाफ अगर यूज हो रखा है तो भी द का प्रयोग ही किया जाएगा। जैसे दिस इज द सेम बिल्डिंग, हमने कहा है सेम से पहले, देखिए सेम है, सेम के आगे क्या रखा है, द का प्रयोग किया हुआ है, द बिल्डिंग, कौन सी, सेम बिल्डिंग। बोथ द स्टूडेंट्स, और मैंने कहा था आफ्टर बोथ, बोथ के बाद में, देखो स्टूडेंट्स है, कहाँ आए हैं, बोथ के बाद में, और स्टूडेंट्स और बोथ के बीच में फिर हमने द आर्टिकल यूज किया है। वेरी गुड डियर चिल्ड्रन। रूल नंबर 18, विद दीज फिक्स्ड फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज होती हैं जो सेंटेंस की जगह यूज किए जाते हैं, इनके साथ भी हम द का प्रयोग ही करते हैं। जैसे ऑन द अदर हैंड, ये सेंटेंस अगर आ जाता है तो हमने इसमें द का प्रयोग करना है। इन द लॉन्ग रन, ऑन द मार्च, इन द वे, इन द रॉन्ग, ऑल द वे, ऑल द मो, टू द अटमोस्ट, गो टू द सिनेमा, ये ऐसी कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जिनके साथ में हमने द का प्रयोग ही करना है। बोथ द नेम्स, विद द नेम्स ऑफ थिंग्स टिपिकल ऑफ देयर क्लास,
कुछ ऐसी चीज जो अपने आप में ही विशेष हैं। जैसे देखिए, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब ये एक बहुत ही टिपिकल चीज आ गई है कि पेन शक्तिशाली है किससे? तलवार से। यानी जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम हमारा पेन कर सकता है। हम लिख करके उस शिकायत को, यानी तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पेन से ही काम चला देंगे। इसलिए पेन को बहुत ही टिपिकल माना गया है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग आया है। डोंट प्ले द फूल मैन, डोंट प्ले द फूल, यहाँ पर हमने फूल के आगे द का प्रयोग किया है। सो डियर चिल्ड्रन, दिस आर द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके मार्क्स सिक्योर हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में से इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं सारे, और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके मार्क्स 100% सिक्योर कर सकते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज करें। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो केयरफुली। वंस अगेन थैंक्स अलॉट डियर स्टूडेंट।